उदयपुर वाटी कस्बे के वार्ड नंबर 3 के लोगों ने जलदाय विभाग के बाहर जमकर किया विरोध प्रदर्शन। सहायक अभियंता को सौंपा ज्ञापन। उदयपुर वाटी कस्बे के वार्ड नंबर 3 के लोगों ने जलदाय विभाग के दफ्तर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी मांग रखी है। उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 3 में वार्ड नंबर 2 की तरफ जा रहे नवीन पानी की लाइन को वार्ड नंबर 3 से दंगी जोड़ी से लाइन को जोड़ते हुए कुआ डेगा वाला पर पानी की सप्लाई दी जानी चाहिए, जिसको लेकर वार्ड के लोगों ने कहा है कि पिछले काफ़ी समय से वार्ड नंबर 3 की दर्जनों ढाणियां जलदाय विभाग के पानी से वंचित है। साथ ही वार्ड के लोगों ने अपने आरोप लगाते हुए कहा है कि जलदाय विभाग स्थानीय जनप्रतिनिधियों के दबाव में है, जलदाय विभाग अपनी मनमर्जी कर रहा है। इस दौरान वार्ड नंबर 3 के सैकड़ों महिला पुरुषों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जलदाय विभाग के सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन देने वालों में वार्ड नंबर 3 के पार्षद अनिल कुमार वहीं सतपाल सैनी, रामलाल सैनी, किशोर कुमार सैनी, सुनील कुमार, प्रमोद कुमार, मुकेश कुमार, सुरेश कुमार, दीपेंद्र सिंह व रूडमल सैनी व चित्रमल सैनी, जगदीश प्रसाद, लालचंद सैनी, भंवरलाल व कमला देवी, छोटी देवी, श्रवणी देवी, सुमित्रा सहित अनेक दर्जनों महिला पुरुष मौजूद थे। बिन पानी छोड़ रहे पलांगी लाइन है पुरानी, बहुत डिमेज होगी। अब बिन छोड़ वार्ड 3 ने और पानी 2 वार्ड में जा रहे और बिन खाली रंग रहे पानी का अकदार में भी। हाँ, पानी माने भी जरूरत है। पहले तीन नंबर से क्रॉस कर 2 नंबर में जा रही है। पहले 3 नंबर में डलनी चाहिए, बाद में 2 नंबर में जानी चाहिए। हमारे सारे दुर्व्यवहार हो रहा है और बहुत पुरानी लाइन है, बहुत डिमेज होगी। नई लाइन डल रही है जो कि डायरेक्ट 5 किलोमीटर में नई लाइन जा रही है, बेधावा हो रही है। ये बात आता मैं आया हाँ, और लाइन बिल्कुल भी नहीं पढ़वा देगा, चाहे क्यों भी हो जाए। नई लाइन पड़ रही है, बिल्कुल वार्ड मांगकर जा रही है, बिल्कुल भी नहीं पढ़वा देगा। और हमारे से आगे पानी जा रही है, मैं नहीं जावा देगा। पहले मारी मांग पूरी करो, मारी पानी आगे भी घर घर टूटी लगाओ, घर घर में ना लगाओ तो या मारी डाने में लगाओ। कब से परेशान होते पानी, कब से कौन मिलता है? 10 साल हो गए। नंबर 3 में जो पानी की सुविधा कुनी बी के लिए ज्ञापन दियो जा रहे हैं साहब, जो 3 नंबर वार्ड से सप्लाई सीधी 2 नंबर ने दी जा रही है, जो कि 3 नंबर वार्ड ने कोई भी घर में पानी की सप्लाई कुनी आज की तारीख में। सब 2-2, 3-3 हजार रुपए महीना खर्च कर रहे हैं सब लोग और टैंकर डला रहे हैं। 3 नंबर में तो कोई का घर में पानी है को नहीं, और जो 3 नंबर थोड़ा बहुत आव है ना पानी, बिना 2 नंबर में सप्लाई दे रहे हैं। क्यों साहब? बेटे कांग्रेस को वार्ड है, अंत सीधी सीधी आप पॉलिटिकली परेशानी दिख रही है एक अंदर कि साहब 3 नंबर बीजेपी है, जन आने पानी नहीं देनु। साहब बीजेपी का आदमी इंसान को नहीं के हक तो सबको ही बने पीपर। तो मेरी यहाँ मांग है कि 3 नंबर वार्ड में हर ढाणी ने हर मकान तक पानी पहुंचाया जाए तरीका से, और जब पुरानी लाइन है बिना जो दंगी की जोड़ी से जोड़ी जाए, ताकि तरीका से सब घर में प्रॉपर प्रेशर से पानी पहुंचे। आज की तारीख में आज स्थिति है कि रोड पर बड़े खाड़ा खोद खोद पानी लेनु पड़ रहे है। ए लुगाई जो 500-500 मीटर से ऊंच ऊंचे पानी ले जा रही, अब जिनकी मस्जिद की जमीन रोड पर कुनी बांध तो पानी कुन मिलोगे, फिर नहीं जाएगी। साहब मारो विरोध बने रहोगे, मैं लाइन पड़वा कुन दंगा, 2 नंबर की बैठा आगे लाइन बढ़वा कुन दंगा, वो मारो विरोध है।